अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन. स्टे होम, स्टे सेफ. क्लास, इट्स आर साइंस लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू लेसन. पार्ट फोर है फोर्सेस, एनर्जी एंड मशीन्स. इसमें हम फोर्सेस, एनर्जी, मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे. आर चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रिसिटी. सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 59. जी, पेज नंबर 59 पे आज हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आपको पता, आजकल हमारा हर काम इलेक्ट्रिसिटी से होता है. ये हमारे काम को आसान भी करती है, लेकिन इसके साथ साथ डेंजरस भी है. इसे हमें बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है. इसके डिफरेंट तरह से हम यूज़ करते हैं. ऑलमोस्ट हमारा हर काम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है. जैसे कि हम लोग वॉशिंग मशीन लगाते हैं, इसके अलावा हम लोग किचन का जो काम है, जैसे कि माइक्रोवेव यूज़ करते हैं किचन में, सैंडविच मेकर यूज़ करते हैं, जूसर, ग्राइंडर, ऑलमोस्ट हमारी तमाम चीज़ें जो है इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आर रीडिंग. पुट योर फिंगर्स ऑन लेसन. इलेक्ट्रिसिटी हेल्प अस टू डू मैनी टास्क. बिजली जो है हमारी बहुत से काम करने में मदद करती है. You can see electricity, but you cannot see electricity, but you can see where it is working all around you. आप जो है वो देख, बिजली को तो नहीं देख सकते, लेकिन वो किस तरह से हमारे इर्द गिर्द काम करती है ये हम ज़रूर देख सकते हैं. जैसे कि इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि ये जो लेडी है ये टीवी देख रही है, ये लड़का अपने कपड़े इस्त्री कर रहा है, और ये बच्चा जो है वो स्विच ऑन कर रहा है या ऑफ कर रहा है. ठीक है, मेन इलेक्ट्रिसिटी एंड बैटरीज. अब दो तरह से हम लोग जो है वो बिजली का इस्तेमाल करते हैं. किस तरह से? एक मेन इलेक्ट्रिसिटी जो डायरेक्ट हमारे घरों में वायर्स के ज़रिए आती है, और एक बैटरीज के ज़रिए. मेन इलेक्ट्रिसिटी, मेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ पावर स्टेशन. इट इज़ ब्रॉट टू यू टू योर हाउस थ्रू थिक वायर्स कॉल्ड केबल्स. अभी हमारे घर पर किस तरह आती है? ये पावर स्टेशन में बनती है. ठीक है, और ये हमारे घरों तक किस तरह पहुंचाई जाती है? मोटी तारों के ज़रिए, जिन्हें हम केबल्स कहते हैं. दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल. ये बिजली जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है. ऑल इलेक्ट्रिकल थिंग्स इन योर हाउस कैन रन ऑन दिस. हमारे घर में मौजूद तमाम चीज़ें, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं बिजली से चलने वाली, वो इसी बिजली से चलती हैं. नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए क्लास. पेज नंबर 60 है. मेन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी वेरी डेंजरस. यू मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स व्हेन यूज मेन इलेक्ट्रिसिटी. अब जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है. ठीक है, तो इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. क्या क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो हम कर सकते हैं? नेवर प्ले विथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और वायर्स. हमें बिजली से चलने वाले सामान और तारों के साथ नहीं खेलना चाहिए. नेवर पोक थिंग्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट और टच बेयर वायर्स. अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें बिजली की जो सॉकेट होती है, जिसे हम स्विच कहते हैं, उसे हमें टच नहीं करना चाहिए. उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, और नंगी तारों को, बेयर वायर्स, नंगी तारों को नहीं टच करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए. नेवर टच प्लग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विद वेट हैंड्स. अब हमें गीले हाथों से जो प्लग यानी कि स्विच जिसे हम लगाते हैं सॉकेट के अंदर, उसे और बिजली से किसी भी चलने वाले सामान को हमें गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए. बैटरीज एंड सेल्स. अब ये तो मेन इलेक्ट्रिसिटी थी, अब बैटरीज एंड सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. बैटरीज एंड सेल्स आर यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी. अब ये जो बैटरीज और सेल्स है, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए. ऐसे चीज़ें जिन्हें हम, देखिए अब हर चीज़ को तो हम स्विच लगा कर नहीं यूज़ कर सकते ना, लाइक लैपटॉप, मोबाइल, ऐसी चीज़ों के लिए, और कोई भी खिलौना वगैरह, उसको हम हर टाइम स्विच लगा कर यूज़ नहीं कर सकते. तो उन्हें चलाने के लिए, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हम बैटरीज और सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से उन्हें हम विदाउट प्लग लगाए स्विच में हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं.
ठीक है। अब बैटरीज एंड सेल्स आर यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली जमा करने के, स्टोर करने के, महफूज करने के काम आती है। द बैटरीज एंड सेल्स आर यूज इन रिमोट कंट्रोल, फ्लैशलाइट, टॉयज, क्लॉक, रेडियोस एंड कैलकुलेटर्स। अभी किस किस में इस्तेमाल होती है? रिमोट कंट्रोल में, फ्लैशलाइट मतलब टॉर्च वगैरह में, खिलौनों में, घड़ियों में, रेडियोस में और कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर वगैरह में, इन सब में हम बैटरीज या सेल्स यूज़ करते हैं। सम लार्ज बैटरीज आर यूज इन ऑटोमोबाइल, और कुछ जो बड़ी बैटरीज हैं वो किसके अंदर यूज़ होती हैं? वो गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। बैटरीज ऑपरेटेड मशीन्स आर मच सेफर टू यूज़ देन दोज ऑपरेटेड बाय मेन इलेक्ट्रिसिटी। अब बैटरीज की मदद से जो हम चीज़ों को, बैटरीज की मदद से जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही किसी हद तक महफूज हैं, बजाय इसके कि हम उसे मेन इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करें। दो यू स्टिल नीड टू बी केयरफुल, लेकिन अगरचा फिर भी हमें क्या है कि एहतियात की ज़रूरत है, एहतियात करनी चाहिए। बैटरीज कंटेन्स केमिकल्स दैट कुड हर्ट यू। अब बैटरीज के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो हमें तकलीफ पहुंचा सकता है। फॉलो द रूल्स एंड स्टे सेफ, ठीक है, हमें एहतियात करनी चाहिए और रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग महफूज रह सकें। डू नॉट डैमेज बैटरीज और पुट दैम इन योर माउथ, हमें बैटरीज को ख़राब नहीं करना चाहिए और उसे मुँह में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। ठीक है क्लास, ये हमने रीडिंग कर ली है अपनी। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे उन्होंने हमें थॉमस एडिसन के बारे में बताया गया है कि थॉमस एडिसन जो है एन अमेरिकन इन्वेंटर, ये एक अमेरिकन इन्वेंटर है, इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन 1879। इसने क्या किया था कि सबसे पहले एक बिजली से चलने वाला जो बल्ब है, लाइट है, वो इसने इजाद की थी। He invented many things we use today. इसने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो इजाद की जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, लाइक द माइक्रोफोन। ही बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज ही kept वर्किंग हार्ड एंड डिड नॉट गिव अप। इसने माइक्रोफोन भी इजाद किया, ठीक है, और इसने ऐसी बहुत सी चीज़ें इजाद की जिसकी वजह से आज इतना ये कामयाब हो गया। कैसे कामयाब हुआ कि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा। ठीक है क्लास, आप लोगों ने इसके अच्छे से रीडिंग करनी है। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।